सत श्री अकाल जी, अजीत वैब टीवी देख रहे सारे दर्शकों का फटाफट खबरों में निघा स्वागत। कांग्रेस के संसद मैंबर राहुल गांधी ने आज अंबाला तो पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की। मास्को तो गोवा आ रही फ्लाइट विच बंब होने की खबर ने लोगों के दहशत मचा दी, जिसके कारण रात को फ्लाइट को गुजरात के यमुनानगर में एमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। एयर क्वालिटी इंडैक्स 418 के समुचे हवा गुणवत्ता के नाल गंभीर श्रेणी के विच डिगण कारण दिल्ली लगातार बिगड़ रहे हवा प्रदूषण की मार हेठ है। राष्ट्रीय राजधानी विच संघनी धुंद कारण अज सवेरे विजिबिलिटी घट रही। धुंद कारण उत्तरी रेलवे खेत्र विच 36 रेल गड्डियां देरी दे नाल चल रही ने। मास्को गोवा चार्टर फ्लाइट विच बंब की खबर उत्ते जामनगर एयरपोर्ट के डायरैक्टर ने कहा कि NSG नूं कुछ भी शक्की नहीं मिलिया। फ्लाइट के अज सवेरे 10:30 तो 11 बजे के विचकार जामनगर तो गोवा लई रवाना होने की संभावना है। सारे बैगों की चंगी तरह जांच की गई है। पाकिस्तान हुण तक अपने सब तो बुरे आटे के संकट का सामना कर रहा है, क्योंकि देश के कुछ हिस्सों के कणक की वड्डी घाट की खबर सामने आई है। एक रिपोर्ट के अनुसार हजारा लोग आटे के सबसिडी वाले थैले लैण के लिए रोजाना घंटे बिताते हैं, जिन्हों की पहला ही बाजार के सप्लाई घट है। दिल्ली हवाई अड्डे उत्ते खराब मौसम के कारण करीब 50 घरेलू उड़ाणा की रवानगी विच देरी हो गई है। इस दे नाल ही आने वाली 18 उड़ाणा भी लेट हुई ने। ICICI की मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंदा कोचर और उसके पति दीपक कोचर, जिन्होंने करोड़ों रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग घोटाले के संबंध में गिरफ्तार किया गया सी, दे अज जेल तो रिहा होने की संभावना है। पूरा उत्तर भारत धुंध की लपेट में है। मौसम विभाग के अनुसार अज सवेरे जम्मू उत्तराखंड के पंतनगर, पंजाब के पटियाला, अमृतसर, लुधियाना, हरियाणा के भिवानी, करनाल, दिल्ली के पालम के सवेरे 8:30 बजे विजिबिलिटी 100 मीटर तो भी घट रही। इस तरह दी होर नवीं खबरां लैके जल्दी हाजिर होवांगे। बने रहो अजीत वैब टीवी दे नाल।